नमस्कार दोस्तों, ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं हमारे पास आज हीरो कंपनी की सेवी जेड एक्सटी में 160 cc 160। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसका कलच? ऐसा तो जलने का कई कारण होता है दोस्तों, बट इस बाइक में क्यों जला वो मैं बता रहा हूँ। प्लेट भी रिप्लेस करता जल चुका है। देखिए टोटल कितनी गाड़ी चली है वो भी बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से टोटल 10,122 किलोमीटर टोटल ये बाइक चली हुई है और इतने पर ये क्लच प्लेट जल गया है इसका। फर्स्ट बार है ये। तो क्यों जल गया देख सकते हैं आप, यहाँ क्लच देख सकते हैं किस तरह से ये क्लच हार्ड हो चुका है दोस्तों। देख सकते कितना हार्ड है, किस तरह से ये आवाज़ कर रहा है देख सकते हैं, एकदम पूरा का पूरा एकदम हार्ड है। तो क्या हुआ, ये क्लच समय पर ये एडजस्ट ना करवाने के कारण क्या हुआ कि हमारा ये क्लच जो है टाइट होने के कारण क्या हुआ, इसी कंडीशन में बाइक चलाते रहने पे क्या होगा आपका कि आपकी क्लच प्लेट जल जाएगी। तो क्या है, इसे सही टाइम पे इसे ये एकदम स्मूथ होना चाहिए दोस्तों। इतना 3 उंगली देख सकते हैं आप इस तरह, इससे ज़्यादा का इतना गैप होना चाहिए, कम से कम इतना का गैप होना चाहिए। ये देख रहे हैं कितना ये टाइट है, देख सकते हैं पूरा फुल्ली टाइट किया हुआ है, देख सकते हैं कितना ये टाइट है पूरा ये। तो ये क्या है, यहाँ से हम लूज करते हैं जैसे इसे हल्का इस तरह से। अब देखिए हमारा ये क्लच यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये नॉर्मल हो चुका है, देख सकते हैं कैसे ये नॉर्मल हो चुका है। तो इस कंडीशन में अगर आपका क्लच जब भी हार्ड लगे तो इस कंडीशन में आपको एडजस्ट करवाना है आपका लोकल मैकेनिक, कहीं भी आप जहाँ के भी रहने वाले हैं जहाँ पे भी आपका लोकल मैकेनिक वहाँ पे आपको क्लच को एडजस्ट करवाना है, क्योंकि ज़्यादा टाइट होगा दोस्तों तो आपका क्लच प्लेट इस कंडीशन में जल जाएगा, इस कंडीशन में अगर आप बाइक को चलाते हैं। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए हम इसे आपको दिखा देते हैं कि ज़्यादा सभी पिकअप नहीं है, एक बार मैं स्टार्ट करके आपको और दिखा देता हूँ बाइक। एक नंबर मैंने डाल दिया, देख सकते हैं मैंने पूरा क्लच छोड़ दिया है, आप एक नंबर गाड़ी नहीं बढ़ रही, एक नंबर देख रहे हैं क्लच लगा हुआ है, ज़्यादा सभी ये बाइक आगे की तरफ नहीं बढ़ रही, पूरा का पूरा ये क्लच प्लेट इसका जो है वो जल चुका है। तो चलिए हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो पहले हम इसके इंजन ऑयल को गिरा लेंगे जिसमें आपको 12 नंबर का गोटी और हैंडल का ज़रूरत पड़ने वाला है, और ये हमारे पास कैपेसिटर मत है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका इंजन ऑयल का यहाँ पे बोल्ट दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं 12 नंबर का। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। चलते हैं उस साइड और इसके क्लच पल्ले को ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं हम अब इसके पल्ले को ओपन करेंगे। तो ओपन करने से पहले हम इसे क्लच के वायर को हटा लेते हैं, उसके बाद ये कैप को हटा लेते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ से यहाँ किक है, इसका किक का जो है यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, तो 13 नंबर के हम डायल रिंग से इसे भी हटा लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे हुआ, तो यहाँ पे 2 12 नंबर का यहाँ पे 2 बोल्ट हैं, तो इसे भी हम ओपन करते हैं, इसे हटाते हैं तब हमारा क्लच पल्ला बाहर आएगा। इंजन ऑयल को हम यहाँ से हटा लेते हैं, देख सकते हैं हमारा इंजन ऑयल गिर चुका है और इसमें कितना इंजन वाला आया है दोस्तों, देख सकते हैं हमारा 1000 ml, मतलब कि पूरा ये परफेक्ट है, इसमें 1 लीटर आता है, 1 लीटर पूरा का पूरा इंजन ऑयल हमारा आया है। चलिए इसे हटा लेते हैं और ये देख सकते हैं ये जो हमारा है इसी में हमारा स्टैंड है दोस्तों। तो 2 बोल्ट इस साइड है और 2 बोल्ट यहाँ पे अंदर की साइड है। ओपन हो चुका है हमारा, हम यहाँ से इसे थोड़ा सा साइड कर लेंगे ताकि ये क्लच पल्ला हमारा जो है आसानी से।
तो देख सकते हैं आप, ये जो है यहाँ हमारा सपोर्ट ले रहा है दोस्तों। तो क्या होगा इस कंडीशन में, कलच पल्ला को बाहर निकालने में नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसे थोड़ा नीचे करने के लिए हम यहाँ से साइलेंसर को, 12 नंबर का दो बोल्ट है, इसे ओपन करके हल्का साइलेंसर को हम डाउन करेंगे। के नीचे करना पड़ा, तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं, ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 नंबर का एक 3 इंच का जरूरत पड़ने वाला है। तो देख सकते हैं सारे बोल्ट को मैंने ओपन कर लिया। अब चलिए क्लच पल्ला को बाहर करते हैं। तो बिल्कुल आसानी से इस तरह से आपको ऐसे पकड़ करके और इसे ऐसे हमें बाहर कर लेना है, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये क्लच पल्ला हमारा बाहर आ चुका है। मैंने पैकिंग को काफ़ी बचाने का कोशिश किया, बट ये पैकिंग हमारा फट गया। चलिए हम इसे हटा देते हैं, यहाँ पर पूरा ऊपर हटा देते हैं इसे। इसमें 3 स्क्रू नट होता है दोस्तों, जो हमें स्क्रू ड्राइवर से या बिट लेकर हमें इसे ओपन कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है 19 नंबर का गोटी लगने वाला है। तो इस तरह से हमें लगा करके और यहाँ पे हैंडल लगा करके इस तरह से हमें और कस के एकदम ओपन कर लेना है। देख सकते हैं आसानी से आपका ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे एक वाशर होता है, देख सकते हैं यहाँ पे एक वाशर है। ये ऑयल पंप होता है दोस्तों, जो पहले हमारा यहाँ से गिर चुका था। देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑयल पंप है, जो ऑयल हमारे हेड पे चढ़ता है ये जब पंप घूमता है। तो चलिए यहाँ से इस ऑयल पंप को भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे एक फिल्टर होता है, देख सकते हैं ये कितना कचरा इसमें भरा हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं जितने भी इसके डस्ट पार्टिकल जो भी कट के गिरे हैं, देख सकते हैं क्या क्या इसमें टूटे हुए हैं। तो जो भी होता है यहाँ पे हमारा जाम हो जाता है, तो इसे भी हम क्लीन करके लगाएंगे। तो चलिए इसे भी रख देते हैं। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बैरिंग होता है, तो इसको चलिए पहले इसे ओपन करते हैं। तो गियर में डाल लेंगे हम, और ये देख सकते हैं हमारे 10 नंबर का 4 बोल्ट है दोस्तों। 4 बोल्ट को 10 नंबर टीरिंग से हम इसे ओपन कर लेते हैं। चार बोल्ट, 4 स्प्रिंग यहाँ होता है दोस्तों, इसे निकालने लगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 खांचे वाला लगने वाला है। तो चलिए इसे लगाते हैं और लगाकर इसे ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास 4 खांचे वाला होल्डर है, तो इसे आपको ऐसे लगा लेना है। और यहाँ पे 19 नंबर का गोटी लगने वाला है दोस्तों, तो चलिए लगा लेते हैं, ओपन करते हैं। तो गोटी है ये 19 नंबर का, यहाँ पे बोल्ट है, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया। और यहाँ पे आपको ये ले लेना है गोटी हैंडल, और चलिए इसे इस तरह से ओपन करते हैं। तो इस तरह से हमें लगा करके आसानी से इसे ऐसे आराम से खोल लेना है। ये आराम से अपना हमारा ओपन, एक वाशर होता है यहाँ पे, बोल्ट होता है। तो चलिए इसे हम निकालते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। एक वाशर यहाँ पे भी होता है आपका, तो इसे हम इसी तरह यहाँ पर लगा देते हैं। और एक वाशर ये है, और एक इसे रख देते हैं और देखते हैं इसका क्या कंडीशन है दोस्तों। देख सकते हैं इसका हब भी कट चुका है, हब भी कटा हुआ है, और क्लच प्लेट तो बिल्कुल गया हुआ है। प्रेशर प्लेट भी इसका कट चुका है, देख सकते हैं आप, पूरा बेकार हो चुका है। तो ये भी हम चेंज करेंगे।
सेंटर आप इसका देख सकते हैं, सेंटर भी बिल्कुल कट चुका है, पूरा बुरा कंडीशन है दोस्तों, देख सकते हैं हाल है इसका। तो चलिए हम सारे स्पेयर पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं और आपको दिखाते हैं फिटिंग करके। सारे स्पेयर को आपको पेट्रोल से क्या है कि क्लीन कर लेना है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, हमने सारे स्पेयर पार्ट्स को क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद सारे न्यू वाले जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो मैंने ले लिया हीरो कंपनी की। देख सकते हैं ये इसका हब है दोस्तों, जो आप पार्ट्स नंबर देख सकते हैं ये आपको 250 रुपये पड़ने वाला है। उसके बाद ये हीरो का सेंटर हो गया जो आपको 350 रुपये पड़ने वाला है, देख सकते हैं इसका पार्ट्स नंबर आप। उसके बाद ये प्रेशर प्लेट है दोस्तों जो हमें मिला नहीं, तो ये मैंने ले लिया है प्रेशर प्लेट होंडा का, ये अपने मांगने आपको 180 रुपया पड़ने वाला है। ये हमने होंडा का ले लिया है क्योंकि हमें ये हीरो का नहीं मिला दोस्तों। और ये क्लच प्लेट आप देख सकते हैं, ये दो पैकेट में क्लच प्लेट है, तो ये अगर आप CVZ का क्लच प्लेट डालते हैं तो आपको 1400 रुपया पड़ने वाला है। बट ये मैंने क्लच प्लेट जो लिया है ये आपका ग्लेम्बर का क्लच प्लेट है दोस्तों, देख सकते हैं ये दो पार्ट्स में आता है, एक में तीन पीस आएगा, इसमें तीन पीस आता है क्वान्टिटी और इसमें दो पीस आता है, तो टोटल पाँच पीस लगने वाला है हमारा। तो सेम क्लच प्लेट है दोस्तों, मैं ओपन करके भी आपको मिला करके दिखा देता हूँ पुराने वाले से। तो ये अगर आप लगाते हैं तो ये आपको कितना पड़ने वाला है, 480 इसका 500 600 700 800 रुपया लगभग ये पड़ने वाला है आपको। और अगर वो लगाते हैं आप अगर हीरो का, तो आपको 1400 रुपया पड़ने वाला है। तो दोनों सेम क्लच प्लेट होता है दोस्तों और सेम काम करेगा। तो चलिए हम इसे प्रॉपरली फिट करके आपको दिखाते हैं और मैं एक बार आपको पुराने वाले से चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, देख सकते हैं इसमें हमारा दो क्लच प्लेट है, जैसे एक क्लच प्लेट आपने ले लिया और ये आप देख सकते हैं पुराना वाला क्लच प्लेट, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। मैं आपको सेम एक जगह मिला करके भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं एकदम सेम है। तो चलिए हम इसे हटा देते हैं और हम अब इसे फिटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। इसमें हमारा तीन क्लच प्लेट आने वाला है और इसमें दो आया आपका, टोटल पाँच हो गया ये हमारा। चलिए हम इसे रख लेते हैं। अब ये हमारा हो गया सेंटर, सेंटर को टोटल हमारा चार प्रेशर प्लेट है, देख सकते हैं आप। मैं चेंज करने वाला नहीं था प्रेशर प्लेट, मैंने पहले नहीं बताया था, बट ये देख सकते हैं इसका कंडीशन काफ़ी बुरा है, देख सकते हैं ये कट चुका है। तो क्या है, इस कंडीशन में हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि सारा चीज़ अगर नया डाल रहे हैं तो प्रेशर प्लेट की वजह से ये प्रेशर में कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम सारे चीज़ को फिट करते हैं। फिट कैसे करना है आपको, पहले आपको हब को ले लेना है, देख सकते हैं आप। और हब को लेने के बाद पहले क्या है कि क्लच प्लेट को हमें लेना है। इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है दोस्तों, बट आप एक तरीके से अगर डालना चाहते हैं तो जिस साइड में ये लिखा हुआ रहता है उस साइड को एक साइड आप इस तरह से रख सकते हैं। तो पहले एक क्लच प्लेट को हमें डालना है, उसके बाद हमें इस प्रेशर प्लेट को डालना है। तो प्रेशर प्लेट को कैसे डालना है, ये पोर्शन जो है चिकना वाला ये ऊपर की तरफ रखना है, तो हम इसे ऐसे रखेंगे। उसके बाद फिर एक क्लच प्लेट लेंगे, चलिए हो चुका है। इस तरह भी हमारा सेंटर है और सेंटर को हमें इस तरह से लेकर के ऐसे बैठा लेना है, देख सकते हैं बिल्कुल हमारा बैठ चुका है। चलिए अब इसे हम फिट करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा क्लच हाउजिंग होता है, ये बिल्कुल सही है, इसे भी हिला के देख लेना है क्योंकि ये भी कभी डक हो जाता है, तो ये हमें बनवाना पड़ता है या नया आप रिप्लेस कर सकते हैं। और एक वाशर यहाँ पे होता है, तो ये वाशर यहाँ पे है जो जहाँ पे होता है, और इस तरह से लेकर के आपको ऐसे बैठा लेना है।
भैया तो निशा को काम कर दीजिए थोड़ा सा। तो देख सकते हैं क्या है कि चार क्लच प्लेट को हमें इस खांचे में रखना है और एक को हमें इस खांचे में रखना है। तो चलिए हमारा प्रॉपरली सेट हो चुका है, एक बार ऐसे घुमा कर देख लेना है। चलिए हमारा एकदम गिरी घूम रहा है। अब चलिए यहाँ पे वाशर होता है और एक बोल्ट लगा देते हैं। ये वाशर आने वाला है बड़ा वाला और यहाँ पे 19 नंबर का ये बोल्ट है। तो ये हमारा इसका क्लच होल्डर हो गया। तो इस तरह से हमें लगा लेना है, ऐसे हमें लगा लेना है। लगाने के बाद क्या है इस तरह से एकदम, और उसके बाद ये 19 नंबर का हमारा गोटी है और हैंडल है। इस तरह से लगा करके हमें लेना है, पकड़ करके फुल टाइट कर देना है। देख सकते हैं ये हमारा पुल टाइट हो चुका है। चलिए इसे, उसके बाद यहाँ पे एक चार स्प्रिंग होता है, चारों को इस तरह से आप उसके बाद यहाँ पे एक प्लेट होता है दोस्तों और इसमें एक बैरिंग होता है। तो इस तरह से हमें बैरिंग को लगा लेना है। इस बैरिंग को भी हमें चेक कर लेना है, सही है बिल्कुल ये हमारा। उसके बाद इस प्लेट को हमें इस यहाँ पे ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पे 10 नंबर का 4 बोल्ट है दोस्तों। एक बात का हमें ध्यान रखना है, चारों स्प्रिंग को हमें बराबर बैठाना है और इस खांचे के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये बाहर आता है तो हमें इसे अंदर कर लेना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर हम इस साइड का बोल्ट टाइट कर रहे हैं तो इसके सामने इस साइड का करेंगे, दोनों बराबर में करेंगे, नहीं तो काफ़ी नाजुक होता है दोस्तों, आपका टूट सकता है। इसका हमें खास ध्यान रखना है। चलिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं ये हमारा सेंटर रिफ्यूल है, तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे लगा देना है। और लगाने के बाद यहाँ पे एक वाशर होता है, इस वाशर को इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से लेकर हमें 19 नंबर का ये गोटी रिंच दोस्तों देख सकते हैं। तो ये हमारा फुल टाइट हो चुका है। तो इसे हम दोस्तों इसका सेंटर रिफ्यूल प्लेट कहते हैं। तो इसे हमें यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे एक पैकिंग होता है दोस्तों जो हमारा खोलने टाइम में फट गया, तो क्या है कि वो हमें नया मिला नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का इस तरह का हम रिजनिंग बोर्ड का सुलेशन का प्रयोग करेंगे और लगा देंगे ताकि हमारा लीकेज यहाँ से वाइल ना हो। तो अच्छे तरह से मैंने पैकिंग को साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद यहाँ पे इसे इस तरह लगा करके हम इसके प्लेट को क्या है कि हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से हमने लगा दिया, यहाँ तीनों स्क्रू है, तीनों को लगा देते हैं। Okay.
अब ये हमारा ऑयल पंप का गरारी है जो ये घूमता है, तो हमारा ऑयल हेड पे चढ़ता है दोस्तों। तो इसे भी हम क्या करते हैं कि इस तरह से लेकर के और आपको लगा देना है। यहाँ पे आपको लगने वाला है तो इस तरह से हमें ऐसे इसे लगा देना है। ये हमारा लग चुका है। उसके बाद ये फिल्टर था दोस्तों जो मैंने क्लीन कर लिया है, तो इस फिल्टर को लेकर के आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा देना है। चलिए सारा कुछ हमारा क्लीन था, इसके बाद फिर से सफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रीजनिंग बोर्ड है दोस्तों, ये जो पैकिंग का काम करता है। तो क्या है दोस्तों, बाइक नहीं है तो हमें पैकिंग पूरा लोकल मार्केट में खोजने पर भी नहीं मिल चुका, और अभी रात का टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है, कस्टमर को एकदम अटेंड बाइक चाहिए था। तो क्या है कि हम पैकिंग का नहीं ये कर पाए, पैकिंग हमें नहीं मिल पाया, तो हम इसे पैकिंग के जगह पे हम इसे लगा देंगे। तो ये हमारा पैकिंग का ही काम करेगा, कहीं से लीकेज नहीं आने वाला, क्योंकि मैं पहले भी कई बार यूज कर चुका हूँ। तो इसे आपको आसानी से आराम से ऐसे इस तरह से लिया है सोल्यूशन की बॉन्ड को। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बुश होता है क्लच का जो पुश करता है अंदर की तरफ, तो हमारा क्लच काम करता है। तो इस तरह से लेकर के इसे यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है। ये हमारा बैठ चुका है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसे फिटिंग करते हैं। हमारा सारा कुछ फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके क्लच पल्ले को लगा देते हैं। पूरा हमारा प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि फिटिंग हो चुका है। अब हम इसे लगाना है ऐसे आपको एकदम आसानी से लेकर के और इस तरह से लगा देंगे। चलिए ये हमारा हो गया क्लच का होल्डर जहाँ पे लगेगा। तो इसे पहले हम हल्का हल्का फंसा लेते हैं। चलिए हम सारे बोल्ट को लगा लेते हैं। सारे बोल्ट को लगा लिया, अभी 8 नंबर का ये इस तरह से आपको लेकर के डेली सारे को फुल टाइट कर लेना है। तो देख सकते हैं पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम क्लच वायर को लगाते हैं, इसके किक को लगाते हैं और साइलेंसर को फिट करके इंजन वायर डालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने क्लच को यहाँ पर सेट किया है और कितना ये देख सकते हैं स्मूथली, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लच अब हमारा कितना स्मूथ हो चुका है, देख सकते हैं 3 अंगुल का इतना गैप होना चाहिए दोस्तों, देख सकते हैं आप एकदम स्मूथ है हमारा क्लच। चलिए अब इसे हम फुल टाइट कर लेते हैं 14 नंबर और 12 नंबर से। चलिए मोबिल का नट मैंने लगा दिया है, अब इंजन ऑयल को डालते हैं। इंजन ऑयल देख सकते हैं आप, मैंने मुतु ले लिया है 20W50 एक लीटर दोस्तों। ये आपको पढ़ने वाला है, देख सकते हैं इसका MRP आपको 540 रुपया है, वही लोकल मार्केट में आपको 520 या 500 में मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। और इसके इंजन ऑयल को डाल देते हैं। देख सकते हैं पूरा 1 लीटर मैंने इसमें डाल दिया। चलिए अब इसके कैप को लगा देते हैं, इस
इसमें इंजन ऑयल कितना होना चाहिए दोस्तों, मैं एक बार कैप को लगा के और आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ तक आ रहा है दोस्तों, यहाँ तक इसका इंजन ऑयल होना चाहिए, तो आपका प्रॉपरली है। अगर इससे कम होता है आपका, तो आपके पार्ट्स को रिप्लिकेंट नहीं कर पाएगा, आपके पिस्टन पे ये इंजन ऑयल नहीं जाएगा तो क्लच प्लेट जलेगा, काफ़ी पार्ट्स को ख़राब करेगा, तो इसका हमें काफ़ी ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसे अब लगा देते हैं, और लगाने के बाद जो मैंने साइलेंसर को ओपन किया था और इसके जो स्टैंड वाले यहाँ, जैसा कि देख सकते हैं हमारा बाइक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैंने साइलेंसर में से सारे चीज़ को फिट कर दिया। अब मैं आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मैं बाइक को चला कर दिखा देता हूँ कि पिकअप बाइक में कैसा है। देख सकते हैं हमारा पिकअप बाइक में काफ़ी बेहतरीन आ गया है दोस्तों। तो इसका जो क्लच प्लेट का समस्या था वो मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से अगर आप क्लच प्लेट को लगाते हैं तो आपकी गाड़ी काफ़ी अच्छा चलने वाली है, और क्लच पे आपको काफ़ी ध्यान रखना है, जब भी ये टाइट पड़े तो आपको इसे यूज करवाना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का टेक्निकल वीडियो लेकर। अभी तक के लिए थैंक यू।